नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रेनर के सूर्यकांत ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की ओर से आज के इस ग्रेट रैपिड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 14 सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में से आज का ये सातवां टॉपिक है। पहले 6 टॉपिक हमने कवर किए पिछले कुछ दिनों में, आज हम देखते हैं कि एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी ये सब्जेक्ट। सो एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। सो व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स? एर्गोनोमस, यानी ये दो शब्द मिला के एक शब्द हुआ है और ये दोनों शब्द ग्रीक में होते हैं। ग्रीक में एर्गोन का मतलब होता है वर्क और नोमोस का मतलब है लॉज, यानी काम करने के नियम। सो काम करते समय हमें क्या क्या सुरक्षा बरतनी है, ये सब इसमें एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी में बताया जाता है। जैसे एर्गोनॉमिक एक साइंस है जिसमें आदमी और उसके काम करने के तरीके और उसके कंडीशन नियम को किस तरह से बनाए जाने चाहिए, वो आज हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में सीखने वाले हैं। सो इस इमेज में हम देखते हैं कि पहला जो इमेज है जिसमें दो ब्लू ड्रेस में दिखाए गए कि जो पहला जो है उसका काम करने का तरीका, उसका जो डेस्क टेबल और चेयर तो बराबर है लेकिन लैपटॉप इतने दूरी पर है कि उसको झुक कर देखना पड़ता है, तो इसलिए वो गलत तरीका है। दूसरे पिक्चर में दिखा है कि उसका जो लैपटॉप स्क्रीन जो है उसके नजदीक लिया गया है, इसलिए बैठने का पोजीशन इसका परफेक्ट आ गया है। सो ये डिफरेंस है। बाजू के पिक्चर में दिखाया गया है कि एक जो पर्सन है वो तीन इमेज में दिखा है कि वो वेट एक बॉक्स उठा रहा है, तो वो वेट उठाते समय कमर में पूरा झुक गया और घुटने में थोड़ा ही मुड़ा है, फिर उसको उठाते समय कमर में लोड आ गया और फिर स्ट्रेट हो गया। जबकि ये गलत तरीका है और सही तरीका बाजू में दिखाया हुआ है कि वो जब कोई भी वजन उठाते समय उसको कमर में थोड़ा झुकना है लेकिन घुटने में मोड़ के नीचे बैठ के उसको उठाना है ताकि वो परफेक्ट एंगल में और उस पोजीशन में उठेगा और वो कमर पे बैकबोन पे उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगा। अब तीसरी जो इमेज है इसमें देखते हैं कि वो कुछ फर्स्ट इमेज में दिखा है कि वो कुछ लिख रहा है, यानी उसका हाथ का पोजीशन देखेंगे तो हम एकदम हाइट पे उसका लिखने का डेस्क है तो उसको एकदम ऊंचाई पे लिखना पड़ता है, इसलिए उसको दिक्कत हो रही है और प्लस उसका चेयर का जो बैक सपोर्ट है वो आगे झुका हुआ है इसलिए उसको झुकना पड़ता है। बाजू के इमेज में दिखाया गया है कि वो उसका डेस्क जो है ज्यादा नीचे है इसलिए उसको झुक कर लिखना पड़ता है। थर्ड इमेज में दिखाया गया है कि उसका डेस्क तो राइटिंग डेस्क बराबर है लेकिन उसका चेयर का जो बैक सपोर्ट है वो आगे बेंड है इसलिए उसको दिक्कत हो रही है। फोर्थ पोजीशन में ऐसा दिखा है कि वो डेस्क का हाइट भी बराबर है, चेयर का जो बैक सपोर्ट भी परफेक्ट है इसलिए वो पेट और थाइस के बीच में भी 90 डिग्री है और नीज का भी 90 डिग्री है। सो इस तरह से छोटी छोटी चीज हमें देखनी है। फोर्थ इमेज में दिखाया गया है कि वो ब्लू शर्ट में पहना हुआ जो है वो उसका डेस्क पे जो लैपटॉप है वो ज़रा डिस्टेंस पे है इसलिए उसको देखने के लिए आगे झुकना पड़ता है और उसका पैर का पोजीशन भी ठीक नहीं है। फिर बाजू के पिक्चर में दिखा है कि वो लैपटॉप उसने आगे लिया है और उसका सिटिंग पोजीशन भी बराबर है और पैर का पोजीशन भी बराबर। थर्ड इमेज जो दिखा है दोस्तों, वो खड़ा रह के वो पीसी डेस्कटॉप को ऑपरेट कर रहा है। अभी क्या होता है, शॉप फ्लोर पे कुछ पोजीशन मशीन के जो सेटिंग वगैरह रहते हैं, हो सकता है कि वो वहां पर इस तरह से पोजीशन हो या तो डाटा एंट्री हो, रिपोर्ट हो प्रोडक्शन फ्लोर पे, उसके लिए ये जरूरी है क्योंकि वो मूवमेंट करते करते बार बार उठ के बैठना और वो सब करने में वो कंफर्टेबल नहीं होता है। और दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोगों को कंटिन्यूस एक जगह बैठ के काम करने में भी दिक्कत होती है, उनको आदत नहीं होती, तो उनके लिए ये पोजीशन भी कंफर्टेबल है तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं। सो व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स? और एक एग्जांपल देखते हैं इंडस्ट्री का। अभी तो हमने देखा वो जो वेट लिफ्टिंग और कंप्यूटर पे काम करने के तरीके देखे, अब यहाँ पर देखते हैं कि शॉप फ्लोर पे एक मशीन है, मशीन की हाइट और आदमी की हाइट में डिस्टेंस है क्योंकि मशीन ज्यादा ऊंची दिख रही है और आदमी का हाइट कम दिख रहा है, तो उसको वो अपना सेटिंग करते समय उसका नेक जो है पीछे बेंड होके ऊपर देखना पड़ रहा है और हाथ भी ऊपर है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? तो शॉप फ्लोर पे वो जहाँ खड़ा रहता है काम करने के लिए उसके नीचे या तो कुछ प्लेटफॉर्म या पैलेट रखना चाहिए ताकि वो हाइट मेंटेन हो और वो कंफर्टेबली काम करे। जब वो कंफर्टेबली काम करता है तो क्या होता है, वो
अपने वर्क प्लेस में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट ला सकता है और उसके वर्क एफिशिएंसी भी मेंटेन हो सकती है। दोस्तों ये एग्जांपल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम जब सुबह अपना दिन शुरू करते हैं तो पहला जो काम है ये होता है अपना। नॉर्मली आप हिंदुस्तान में सभी लोग ऑलमोस्ट इंग्लिश टॉयलेट पोजिशन में बैठते हैं, तो जो जो पोजिशन होती है 90 डिग्री की होती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो कॉलन जो है ने जो हमारा जो पेट का जो सफाई का जो लाइन जो है वो चोकअप हो जाता है इस 90 डिग्री पोजिशन में, इसलिए हमें पेट साफ होने में काफी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। जबकि उसी पोजीशन में बैठते समय हमें पैर के नीचे एक छोटा स्टूल लेने का है, तो क्या होगा हमारा जो 90 डिग्री के बजाय हमारा पेट और जो थाइज है उसके बीच में 30 डिग्री का एंगल रहने से क्या होगा, ये जो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका जो पाइपलाइन है वो खुलेगा और रिलैक्स पोजीशन में हम अपना पेट साफ कर सकते। अगर सुबह हमारा पेट साफ होगा तो ये हमारा दिन और काम में एनर्जी रहेगी और हम पूरा काम ठीक से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा छोटी छोटी बातें, अब देखते हैं कि हम अपने वर्क प्लेस पे एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी के समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो एक तो प्रोडक्ट डिजाइन में हमें ध्यान रखना है, दूसरा मशीन इंटरफेस में ध्यान रखना है, और थर्ड मटेरियल हैंडलिंग और वर्क प्लेस लेआउट में ध्यान रखना है। तो देखते पहले एक एर्गोनॉमिक एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस में क्या क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि शॉप फ्लोर पे जो भी हम मटेरियल रखते हैं तो एकदम शॉप फ्लोर लेवल पे होता है, जैसे एक पैलेट रहता है उसके ऊपर वो मटेरियल रखा रहता है, जबकि वो हाइट पे होना चाहिए जैसे पिक्चर दूसरे पिक्चर में दिखाया है। पहला पिक्चर है उसमें क्या होता है वो इतनी नीचे है कि उसको कमर में झुक के काम करना पड़ता है और वो दिक्कत होती है, इसलिए क्या होता है कुछ समय के बाद उसका बैक पेन शुरू हो जाएगा और वो काम करते समय अनकंफर्टेबल फील होने के कारण वो काम में भी वो 100% रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सेकंड पिक्चर में है कि वो मटेरियल जो है वो हाइट पे रखने के कारण वो ज्यादा बेंड नहीं हो रहा है और उसके कारण वो कंफर्टेबल और परफेक्ट काम कर पा रहा है और उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म परफॉर्म कर सकता है। अब इस पिक्चर में ऐसे दिखा है कि लैडर से वो आदमी कंधे पर कुछ मटेरियल लेके ऊपर चढ़ रहा है लोडिंग के लिए, बाजू में भी एक लैडर दिखा है, ताकि ये दोनों तरीका गलत है। जबकि यहाँ पर दिखा है कि एक लैडर है जिसके नीचे चार व्हील भी है, यानी मूवमेंटेबल लैडर है वो, प्लस साइड में उसको स्टेयर रेलिंग भी है पकड़ने के लिए ऊपर नीचे चढ़ने के लिए, तो ये सेफ्टी लैडर है, इसका यूज कर सकते हैं कि शॉप फ्लोर पे मटेरियल मूवमेंट के लिए। सो यहाँ पर ये एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी एम्प्लॉय का और काम का दोनों का ध्यान रखा गया है। सो यहाँ पर देखते हैं कि स्क्वाटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स पर डे, यानी जो बैठने की ये जो पोजीशन है ऐसा कहा गया कि 24 घंटे में है तो वर्किंग आवर्स हमारा जो 8-10 घंटा है उसमें से 2 घंटा इस पोजीशन में हमें बैठना चाहिए, यानी कंटिन्यूस पोजीशन में ना बैठे लेकिन काम करते समय उठ पट बैठ करते समय इस तरह से पोजीशन में आना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स है उसका वो मूवमेंट और एक्सरसाइज हो जाएगा और हमारे इंटरनल सिस्टम परफेक्ट काम करेगा। अब यहाँ पर और एक एग्जांपल शॉप फ्लोर का देखते हैं कि हेवी वो स्टैंड है और वो खींच रहा है, उसका जो है कमर में स्ट्रेस आ रहा है प्लस लेग उसके बेंड है, अगर स्लिप शॉप फ्लोर से ऑयली होगा तो स्लिप होके गिर सकता है वो, हाथ में स्ट्रेस आया उसका नेक पे स्ट्रेस आया, तो ये जो है वो गलत तरीका है। जबकि यहाँ पर क्या है उन्होंने एक मूवमेंट किया है, शायद नीचे उसको लेग लगाया होगा व्हील लगाया होगा और एक स्टैंड बना के वो खींच रहा है इजिली। सो ये छोटी छोटी बातें हम शॉप फ्लोर पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसे हम काइजन कहते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, तो वो अगर करते हैं तो साथ में क्या होगा प्रोडक्टिविटी भी आएगी और एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। अब ये पिक्चर देखते हैं, ये सब कुछ हो सकता है कि अकाउंट्स का बंदा होगा, परचेस का होगा, या तो क्लेरिकल स्टाफ हो सकता है, या तो शॉप फ्लोर का कोई एग्जीक्यूटिव हो सकता है जो सब कुछ स्मूथ चल रहा है करके अपनी जगह पे बैठ के वो स्क्रीन के नजदीक से देख रहा है। अब हो सकता है कि ये इसका स्क्रीन का जो रेज है उसके आंख को हार्मफुल होगा, अभी तो ठीक से परफॉर्म कर रहा है लेकिन भविष्य में कुछ साल के बाद उसको नजर भी कमजोर होगी, प्लस उसका बैठने का जो तरीका है वो बैक में बेंड हुआ है, लेग उसके बराबर नहीं है, तो उसको फिजिकली वो अनफिट हो सकता है फ्यूचर में। यहाँ पर और एक शॉप फ्लोर का एग्जाम्पल है, जो बैरल मूवमेंट हो रहा है ड्रम, तो वो पूरे उसका बॉडी पे लोड हो रहा है, यानी पैर हाथ कमर ये सब के स्ट्रेच हो रहा है उसको,
तो भविष्य में उसको भी तकलीफ हो सकती है, तो कुछ मसल्स जाम हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जबकि ऑटोमेशन सिस्टम यानी क्रेन से उसको लिफ्ट करके इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा कि छोटे छोटे बातें हैं, डूज और डोंट डूज, वो हम अगर अपने वर्क स्टेशन पे करेंगे तो हो सकता है कि हम जो है एग्जिस्टिंग पोजीशन में भी एर्गोनॉमिक्स और सेफ्टी को मेंटेन करते हुए अपना वर्क स्टेशन और एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते। अब देखते एक छोटा एग्जाम्पल है कि स्टैंडर्ड वर्क स्टेशन करके। Modern automobile production at the Volkswagen Group. The vehicles owe their perfection to the people who build them. Ergonomic workstations provide optimal working conditions. In traditional series production, people had to adapt entirely to the machines and tools they used. Today, each vehicle is built individually for the client. The production process is thereby aligned to the ergonomic needs of employees. Technical aids facilitate the work of employees and promote favorable postures. Good ergonomics promote the health and performance of employees. This contributes to higher quality and productivity. The best ideas for ergonomic developments often come from employees themselves. Ergonomic production is taken into account early on in the development stage. Workflows are recorded, analyzed, and constantly optimized with the help of digital simulation tools. Each new technical innovation leads to even better opportunities for workplace ergonomics. Perfect production ergonomics for perfect cars. तो दोस्तों ये वॉक्सवैगन कंपनी में हमने देखा है उनका काम करने का जो तरीका है, प्रोडक्शन लाइन वगैरह सब कुछ कंफर्टेबल है। इसलिए क्या हुआ है, फुल्ली ऑटोमेशन में होने के कारण एम्प्लॉय को किसी प्रकार का फिजिकली मेंटली कुछ स्ट्रेस नहीं है, इसलिए ऑलवेज हैप्पी रहते हैं और इम्प्रूवमेंट काफी आता है वहां पर, क्योंकि ऑलवेज वो एनर्जेटिक और हेल्दी रहते हैं, इसलिए वहां पर इम्प्रूवमेंट भी और वो जो कार बनाते हैं उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन होती है। तो इसका अगर हमने शॉप फ्लोर पे एर्गोनॉमिक्स और सेफ्टी का अगर ध्यान दिया तो कंपनी को भी फायदा है और एम्प्लॉय को भी फायदा है। सो दोस्तों इफ यू आर अ एम्प्लॉय और अ बिजनेसमैन देन यू हैव टू वर्क ऑन योर वर्क प्लेस फॉर योर टीम वर्किंग विद एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी। तो अगर आप एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, आप जहाँ भी काम करते हैं, आपके अगर आप एम्प्लॉय है तो अपने कंपनी में काम करते समय एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखें, अगर बिजनेसमैन है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से रिस्ट्रक्चर हो सके तो करें छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट चेंजेस करके, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूवमेंट हो और एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड हो और उसकी हेल्थ भी मेंटेन हो। तो एक एग्जांपल है स्टैंडर्ड वर्क प्लेस का, समझो गारमेंट इंडस्ट्री में जो है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, जो एम्प्लॉय है उनका बैठने का तरीका ठीक है, उनका ड्रेस कोड है, प्लस यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगा है वर्क इंस्ट्रक्शन, तो ये सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन है और इसलिए काम करने में एनर्जेटिक रहती है, प्रोडक्टिविटी भी रहती है। बाजू के पिक्चर में दिखा है कि वो बैठा है, वो सब कुछ एडजस्टेबल है, टेबल और उसका वर्क स्टेशन, यहाँ पर वर्क इंस्ट्रक्शन लगाए, स्क्रू ड्राइवर से काम करता है, इसलिए वो ऊपर हैंग किया हुआ है, वो न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर या इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, प्लस उसको एडजस्टेबल और स्प्रिंग लोडेड है ताकि काम होने का तो छोड़ने का तो ऊपर जाएगा, तो इजी एक्सेसिबल वो सिस्टम है। सेकेंड नंबर जो क्रॉस दिखा हुआ है कि इसका देखो एक हाथ नीचे है और एक हाथ उसका एल्बो से भी ऊपर गया है, यानी उसका जो काम का जो जॉब है वो उसके हाथ से भी ज्यादा हाइट है, या तो उसका टेबल का हाइट कम करना चाहिए तो चेयर उसका हाइट कम करना चाहिए, क्योंकि वो गलत तरीका है, भविष्य में उसको तकलीफ हो सकती है और काम करते समय भी अनकम्फर्ट होने से जॉब के क्वालिटी में भी इफेक्ट हो सकता है। थर्ड पिक्चर में जो दिखा है कि वो जॉब उसका छोटा है और उसके दोनों बराबर मूवमेंट हो रहे हैं, इसलिए सिटिंग भी बराबर है और परफेक्ट मोड में काम कर रहा है, तो वहां पर सब कुछ परफेक्ट काम चलता है।
और एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एक असेंबली लाइन है जो जॉब इस तरह से होगा कि यहाँ पर बैठना अनकंफर्टेबल होगा ताकि वो सबको खड़े रह के वो मूवमेंट में काम करे, और छोटे छोटे असेंबली के कंपोनेंट्स हो गए तो क्या उतना काम करने का और आगे पास ऑन करने का इस तरह से। तो यहाँ आप देखते हैं कि ऊपर का वो ट्यूबलाइट्स का स्टैंड है, वर्किंग स्टेशन है, वो यहाँ पर ग्राफ है, इंस्ट्रक्शन है, और आगे बीन्स में सब मटेरियल रखा हुआ है, नीचे भी मटेरियल है, सब कुछ अपने अपने जगह पर ठीक से दो पैर पे खड़े है, कोई आड़ा तेड़े नहीं खड़े। तो उनके क्या हेल्थ का भी ध्यान रखा गया और इसके प्रोडक्टिविटी और सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। सो अगर हमारा वर्क स्टेशन ठीक से डिजाइन करना है तो हमें ये 5 स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। 5 स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए अपना वर्क स्टेशन डिजाइन करना है। तो पहला स्टेप है साइज अप द डेस्क। ये पांचों स्टेप आगे हम छोटे छोटे वीडियो के साथ एक्सप्लेन करने वाले देखने वाले। सेकेंड है डिटरमाइन द साइज रेंज ऑफ द ऑपरेशन ऑपरेटर्स, सिलेक्ट फीचर्स दैट मेक इट इजियर। थर्ड जो है स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ ईच स्टेशन टू अनदर स्टेशन, एंड फिफ्थ जो है रिकैप द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच स्टेशन। सो चलो देखते हैं कि पहला जो है साइज ऑफ द डेस्क, ये वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो हमें समझ में आएगा आसानी से। Do you require a sitting or standing height station? Fine work may require a sitting position, possibly with armrests. This is usually a 30-inch surface height. Larger and progressive assembly typically requires a standing height, 36-inch work surface for maximum reach and mobility. Additionally, is there tooling, fixtures, parts, equipment, and supplies that are part of the process? Is there more inventory and parts than required? This will help in sizing the work surface. Make the surface large enough to do the job, but not so large that it causes extra. तो दोस्तों हमने वीडियो में देखा है साइज ऑफ द डेस्क यानी तो सेट द वर्किंग टेबल एज पर रिक्वायर वर्क्स विद कंसीडरिंग ऑपरेटर्स हाइट, यानी वर्किंग टेबल को सेट करते समय इस तरह से करने जो जॉब वो ऑपरेटर करने वाला है तो जॉब से रिलेटेड उसका टेबल का सेटअप, उसकी सिटिंग अरेंजमेंट उस तरह से होनी चाहिए कि जॉब और वर्कर दोनों कंफर्टेबल होने चाहिए और वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो सकता है वहां पर। Determine the size range of the operators. Determine the size range of the operators. Ideally, you do not want operators bending over, hyperextending, or reaching higher than their heart. Establish a median height that works for all, or consider making the station height adjustable. Utilize the air rights, left, center, and right with leveled arms and shelving for parts presentation and. So यहाँ पर हमने देखा है कि जो काम करते समय जो ऑपरेटर है उसके हिसाब से टेबल सेट करना, टेबल के हाइट एडजस्टेबल और टेबल रहने से वो एडवांटेज क्या है कि हाइट कम ज्यादा ऑपरेटर के हिसाब से कर सकते हैं। प्लस वो ऑपरेटर जो असेंबली टेबल पे है वहां पर समझो 4 कंपोनेंट है उस टेबल पे, तो 4 बीन्स रखे हुए, लेकिन बीन्स भी एक तरह से इस तरह से रखा है कि वो इजिली वो ऑपरेटर लेके काम करके उसका फिनिश प्रोडक्ट भी साइड में रख सकते है। अदरवाइज क्या होता है कुछ लोग कि फिर एक ही जगह पर रखते हैं, फिर वो हाथ के मूवमेंट में वहां पर थोड़ा दिक्कत होती है और उसको जॉब में भी डिले हो जाता है, साइकिल टाइम बढ़ जाता है और अनकंफर्ट फील होता है। थर्ड जो है सिलेक्ट फीचर्स दैट मेक इट इजियर। सिलेक्ट फीचर्स दैट मेक इट इजियर। ए गुड वर्क स्टेशन सिस्टम विल प्रोवाइड ए होस्ट ऑफ ऑप्शंस दैट विल एनहांस द प्रोसेस बियॉन्ड ए 4 लेग्स ए टॉप एंड शेल्फ टाइप प्रोडक्ट। The option list should include components to make the worker more comfortable. The station environment can also be enhanced with supporting pieces such as sit, stand stools, adjustable chairs, and floor mats. So, इसमें दिखा है कि काम करते समय जो जिस काम को करना है उसके फीचर्स को समझना और वो हिसाब से वर्क स्टेशन को डिजाइन करना है, यानी वो ऑपरेटर जो है वहां बैठता है बैठ के काम करेगा कि खड़ा रह के, तो वो हिसाब से उसके वर्क इंस्ट्रक्शन यानी SOP सामने होना चाहिए। प्लस उसका स्टैंडिंग पोजीशन प्रॉपर होना चाहिए, उसके पास वो अगर काम कर रहा है तो उसके टेबल के ऊपर प्रॉपर लाइट्स होना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट प्रॉपर असेंबली हो, उसके क्वालिटी चेक करे बराबर और ठीक तरह से वो अपने कंपोनेंट जो रखे है वो भी बराबर हाइट में एडजस्टमेंट करके रखे हुए ताकि वो कंफर्टेबल। यानी इसमें इतना है कि एर्गोनॉमिक्स है, जैसे पहले बताया कि ह्यूमन रिलेटेड वर्किंग कंडीशन जो है वो कंसिडर करके अगर आप अपना वर्क प्लेस डिजाइन करते हो
दोनों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम की भी और आदमी की भी. सेलेक्ट. सो फोर्थ पॉइंट है स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ ईच स्टेशन टू अनदर स्टेशन. स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ ईच स्टेशन टू अनदर. If the station is not a standalone process or is part of a cell, then it should be integrated to the other stations. Look at the shape of the surface or if it mates to a piece of equipment. Product transfer may require a slide line. If the production volume is higher, a hybrid workstation and conveyor will provide reduced handling and lifting. So, yahan par dekha hai ki जैसे भी हम लोग लाइन सेटअप करते हैं यानी यहाँ पर स्टडी द रिलेशनशिप ईच स्टेशन टू अनदर, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, यानी जहाँ पर दो तीन या चार लोग काम करते हैं तो असेंबली लाइन में काम होता है, तो उस समय मटेरियल मूवमेंट, टेबल एडजस्टमेंट, एम्प्लॉय का सेटअप, लाइट, वर्क इंस्ट्रक्शन, ये सारे चीजों का ध्यान में रखते हुए जहाँ कन्वेयर की जरूरत है वहाँ कन्वेयर सिस्टम, जहाँ रोटेशन की जरूरत है, इस तरह से वो करके वर्क स्टेशन डिजाइन होना चाहिए. तो पांचवा पॉइंट देखते हैं, रिकैप द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच स्टेशन, यानी अब तक हमने जितना भी देखा सीखा है वो उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं. रिकैप द रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच स्टेशन. लिस्ट आउट योर स्पेसिफिकेशंस एंड सेलेक्ट ए मॉड्यूलर स्टेशन सिस्टम दैट कैन बी क्विकली रिकॉन्फिगर्ड एंड कस्टमाइज्ड. Aesthetics has a place, but ultimately, form follows function, and if the need exceeds the budget, consider retrofitting the top of your station. Select a system that will allow you to tailor your stations to the operator and task, and not the opposite. So, यहाँ पर अभी तक जितना भी किया है ने टेबल सेटअप करना, उसका हाइट सेटअप करना, लाइट सेटअप करना, काम कंपोनेंट्स के लिए जो बीच चाहिए और प्रॉपर होने चाहिए, सबका अलाइनमेंट होना चाहिए, जो जो जरूरी है एज पर अपना ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और वर्क और एम्प्लॉय के हिसाब से वो परफेक्ट होता तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा. ये सब होने के बाद भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना जरूरी है कि एर्गोनॉमिक्स अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि क्या होता है कुछ लोगों का जो जुने पद्धति से काम करते हैं दुने तरीके से, तो मटेरियल उठा के सीधा इजीली लेके जाना, तो लेकिन उनके फिजिकल और मेंटल पे जो फ्यूचर में जो इफेक्ट होता है वो उनको ट्रेनिंग के जरिए बताना पड़ेगा कि हेल्थ के लिए हार्मफुल है और कंपनी की भी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होता है, क्वालिटी पे इफेक्ट होता है. तो अगर इस तरह से कि अगर एर्गोनॉमिक सिस्टम से काम करेंगे तो ये सभी के लिए अच्छा है. तो उसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी के देख लेते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव है सो ऑप्टिमाइज द इंटीग्रेशन ऑफ मैन एंड मशीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एक्यूरेसी, यानी अगर मैन मशीन की इंटीग्रिटी प्रॉपर होती है तो प्रोडक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी उसकी. सो टू डेवलप वर्क प्लेस विच फिट्स विद नीड ऑफ द वर्कर, यानी वर्क प्लेस इस तरह से डेवलप करो ताकि वर्कर के उसके वर्कर की नीड जो है वो फुलफिल हो जानी चाहिए. अरेंजमेंट्स ऑफ द टूल्स एंड इक्विपमेंट सच दैट इट्स मिनिमाइज मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेन ऑन द वर्कर बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, यानी टूल्स एंड इक्विपमेंट का इस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए जिस तरह से हमने वीडियो में देखा ऑटोमेशन का और ऑटोमोबाइल का, जैसे कि किसी भी प्रकार का मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन उस एम्प्लॉय पे नहीं रहे और इसके कारण वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ जाती है. टू रिड्यूस द फैटिग ऑफ वुमेन व्हाइल डूइंग द जॉब, यानी लोग एम्प्लॉय काम करते समय उनके फिजिकल यानी वो उनको मेहनत कम हो, उनको तकलीफ कम हो, ये ध्यान रखा जाएगा. और पांचवा पॉइंट है टू अटेम्प्ट द मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क ऑफ इंजरी, इलनेस एंड एक्सीडेंट विदाउट लूजिंग द प्रोडक्टिविटी, यानी शॉप फ्लोर पे काम करते समय एक तो रिस्क जो है इंजरी, इलनेस और एक्सीडेंट का कम से कम करें ताकि जिससे कि प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट हो जाता है. नॉर्मली क्या होता है कोई भी अगर कंपनी में कुछ हादसा हो जाता है, कंपनी में डिपार्टमेंट में किसी को लगता है कुछ होता है तो कुछ पल के लिए काम बंद हो जाता है, तो उससे लिए प्रोडक्टिविटी लूज हो जाती है और एक बैड मार्क आ जाता है कि भाई इस कंपनी में ये इंसिडेंट होता है करके, तो उससे वो बचने के लिए हो सके तो हम ये सारे रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, एर्गोनॉमिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते. सो एडवांटेज क्या है इसके, तो हायर प्रोडक्टिविटी, अगर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी को फॉलो किया तो हायर प्रोडक्टिविटी होगी, इंक्रीज सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की सेफ्टी बढ़ेगी, प्लस बेटर इंटीग्रेशन ऑफ मैन मशीन सिस्टम में आ जाएगा और रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर. ये जब कुछ परफेक्ट होता है
रिस्क फैक्टर जीरो के जैसा होगा तो एम्प्लॉय का टर्नओवर भी जीरो के बराबर होता है, कोई काम छोड़ने की इच्छा नहीं करेगा, और लेस फैटिग ऑफ ऑपरेटर यानी वो उसको तकलीफ भी कम होगी, और रिड्यूस अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ वर्कर्स ऑपरेटर्स, यानी वहाँ उस मशीन पे वो आदमी सेट नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी हाइट की प्रॉब्लम है, कुछ हो सकता है। इसलिए अगर एडजस्टेबल सब कुछ सेटअप होगा तो कोई भी आदमी कहीं भी उसके हिसाब से काम कर सकता है और वो एडवांटेज रहेगा। सो हायर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ये सब करने से क्या होगा, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन होगा। अगेन चार नंबर जो पॉइंट है, तो एम्प्लॉय टर्नओवर ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा। तो दोस्तों ये हमने जो सीखा एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, इससे हमें अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो भी हमें घर पे भी फॉलो करना है, और हमारे वर्क स्टेशन में हम करते हैं तो आज के बाद अगर कल हम काम पे जाते हैं तो घर से काम करते हैं, तो ये सारे छोटे छोटे चीजों को हमें काम करते समय ध्यान में रखना है, और हो सके तो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करके आगे चलना है, ताकि एम्प्लॉय का आजकल जरूरी बहुत है, और उनका सेटिस्फेक्शन अगर ये छोटे छोटे चीजों से किया तो मैन पावर टर्नओवर भी जीरो होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर परफॉर्म कर सकती है। सो ये हमें मेंटेन करना है। सो थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों को, आपके नियरेस्ट और कंपनी में भी आप अपने टीम को दिखा सकते हैं, ताकि ये सबको अवेयरनेस मिले। अपना नेक्स्ट सेशन है टैग 10, जो 30 तारीख को शाम को 8 बजे हम सब लोग मिलेंगे अगले टॉपिक सीखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।